नमस्कार। आज अपनी कक्षा 10 के अध्याय 4 का आगे का भाग, जिसमें हमने क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद, औद्योगिकरण और जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ा है, उसी चैप्टर का जो अंतिम भाग है इटली का एकीकरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत बताया जाएगा कि इटली के एकीकरण के समय क्या बाधाएं आ रही थी, इटली का एकीकरण किस प्रकार से शुरू होता है और उसको एकीकरण करने में सहायक तत्व कौन कौन से थे, उसके बारे में आज इसमें विचार विमर्श करेंगे इस अध्याय में, इस वीडियो में। तो देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट आता है अपना कि इटली का एकीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है। जब नेपोलियन क्या करता है, इटली को विजय करता है, नेपोलियन ने जब इटली पर विजय प्राप्त की, उसके पश्चात नेपोलियन ने जो छोटे छोटे टुकड़ों में इटली बंटा हुआ था, जो छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल स्मॉल पीसेस में या छोटे छोटे शहरों के रूप में इटली जो है वो बंटा हुआ था। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि स्विट्ज़रलैंड जो देश है वो एक सिटी भी है और एक देश भी है, कंट्री भी है। उसी तरह जो इटली था उसके लगभग सभी जो भाग थे वो सिटी कंट्री के रूप में बंटे हुए थे। सिटी कंट्री का मतलब हो गया कि एक शहरी देश एक छोटे से शहर के रूप में जो देश बना हुआ था। तो इसलिए नेपोलियन क्या करता है, उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या है इकट्ठा करके मुख्य तीन भागों में इटली का एकीकरण कर देता है। यानी शुरुआत एकीकरण की किसने कर दी, नेपोलियन ने कर दी। अब नेपोलियन वहाँ पर जाता है, तो नेपोलियन वहाँ पर जाकर फेजुअल सिस्टम, जो सामंती व्यवस्था थी उसको बर्खास्त कर देता है। यानी जो अलग अलग भागों में बंटा हुआ था इटली, उसकी जो व्यवस्था थी सामंती व्यवस्था, या जो सामंत थे, जागीरदार थे, वो उस पर एकाधिकार के रूप में या विशेषाधिकार के रूप में क्या है लोगों के और जनता पर क्या है शासन किया करते थे, वो क्या है नेपोलियन नष्ट कर देता है और सामंती व्यवस्था को हटाकर उसको तीन भागों में बांटकर क्या है एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में बना देता है, गणतंत्र राष्ट्र के रूप में बना देता है। कहने का आशय ये है कि वहाँ पर राजतांत्रिक गणतंत्र बनाया गया था जिसके तीन भाग थे। अब सामंती व्यवस्था को नष्ट कर दिया, गणतंत्र बना दिया है इटली को और तीन भागों में उसको संयुक्त कर दिया। लेकिन एक ही साथ साथ उसके काम क्या किया नेपोलियन ने, सभी के लिए समान कानून व्यवस्था कर दी, जिसके कारण वहाँ के लोगों को क्या है एक तरह के जीवन जीने का क्या है आदत शुरू ही उनकी। इसके अलावा नेपोलियन के आने के साथ साथ इटली के अंदर ट्रेन की शुरुआत हुई और ट्रेन के साथ साथ क्या है ट्रेड भी बढ़ा, ट्रेड यानी व्यापार। तो व्यापारी के जो भाग थे, यानी नेपोलियन ने क्या है व्यापार का जो सिस्टम बनाया वो स्वतंत्रात्मक व्यापार बना दिया। यानी अब क्या है कोई भी इटली के हिस्से में व्यापारी जाकर व्यापार कर सकता था। तो व्यापारी एक दूसरे से मिलते या एक दूसरे के स्थानों पर जाते तो उनको क्या है अपना जो गोल्डन एरा था, स्वर्णिम इतिहास था, वो याद आया कि रोमन एम्पायर जो था वो इस प्रकार से पूरे यूरोप साम्राज्य पे राज किया करता था और आज अपने क्या है बंटे हुए हैं इटली के जो छोटे छोटे भागों के अंतर्गत हम ये रोमन साम्राज्य के जो लोग हैं वो बंटे हुए हैं, उनको अपना पुराना इतिहास याद आता है और अपनी गौरवशाली छवि को वो याद करके एकता के सूत्र में बंधने का कार्य करते हैं। यानी उनको अब क्या है एकता चाहिए थी, यानी वो अब एक होना चाहते थे। इसके साथ ही क्या है राष्ट्रवाद का वहाँ पर उदय होता है, यानी वो एक राष्ट्र चाहने लगे थे। दूसरा, नेपोलियन ने ये सारे कार्य किए, उसको गणतंत्र बना दिया, उसके लिए सभी के लिए समान कानून कर दिया, ट्रेन की शुरुआत की जिसके साथ व्यापार भी बढ़ा और व्यापार बढ़ने के साथ साथ क्या है लोगों की जो आपसी संस्कृति थी वो भी वो समझने लगे थे। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने अपने अंतिम दिनों में क्या है उस पर उपनिवेश के रूप में उसका यूज करना शुरू कर दिया। यानी वो फ्रांस को क्या है और अधिक से अधिक ज़्यादा तरक्की करवाना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया
उसको उपनिवेश के रूप में उसका यूज करना शुरू कर दिया। जब इटली के लोगों को पता चला कि अब हमको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं दी जा रही है, उसके बजाय वो क्या कर रहे हैं, उसे एक उपनिवेश के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वो लोगों के राष्ट्रवाद जो अंदर था वो जाग उठता है और वो नेपोलियन को भी कहते हैं कि भी आप जाओ। लेकिन फिर भी इन मायनों के अलावा भी अपने कह सकते हैं कि नेपोलियन ही वो पहला व्यक्ति था जिसने क्या है इटली के अंदर राष्ट्रवाद का जो जोत है वो जलवाई थी, या फिर कह सकते हो राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो इटली में नेपोलियन ने ही करवाई थी। इसीलिए इटली के राष्ट्रवाद का पिता नेपोलियन को कहा जाता है। इटली के राष्ट्रवाद का पिता किसको कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है। और उसके अलावा फिर नेपोलियन को क्या है, जब सारे यूरोपीय जो राजा थे वो हरा देते हैं 1815 के वाटरलू के युद्ध में और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पुनः क्या कर दिया जाता है, इटली के अंदर सामंती व्यवस्था लागू कर दी जाती है, राजशाही वहाँ पर शुरू कर दी जाती है। तो इसके साथ ही क्या है, इटली पुनः क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। इटली जो है वो पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, जहाँ पर क्या है सामंतों का शासन हुआ करता था। अब देखते हैं कि शुरुआत राष्ट्रवाद की क्या है इटली में, नेपोलियन ने कर दी थी। लेकिन अब दोबारा से जब नेपोलियन को हटा दिया गया और वियना कांग्रेस के द्वारा इटली के बहुत से छोटे छोटे भागों को क्या है दोबारा से तोड़कर अलग अलग राजाओं या अलग अलग जो राजवंश थे उनके अधिकृत कर दिया गया, तो देखिए कि जो इटली है उसको किस प्रकार से बांटा गया था। यानी अपने जो सेकंड पॉइंट है उसमें बात करें प्रमुख बाधाएं, तो प्रमुख बाधाओं के अंतर्गत क्या आएगा, लोम्बार्डी और वेनेशिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर सीधा अधिकार किसका था, ऑस्ट्रिया का। यानी ऑस्ट्रिया के जो राजा थे वो लोम्बार्डी और वेनेशिया पर सीधा क्या है अपना आधिपत्य रखते थे। इसके साथ साथ मेडेना टस्कनी जो था हिस्सा इटली का, मेडेना और टस्कनी जो हिस्सा था वो भी क्या है ऑस्ट्रिया के राजकुमारों के अंतर्गत आता था। यानी ऑस्ट्रिया के राजकुमारों को सौंप रखा था, कहने को कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ये क्षेत्र भी किसके अधिकृत था, ऑस्ट्रिया के ही अधिकृत था। और तीसरा हिस्सा जो मुख्य रूप से था वो क्या है, रोम जो था वो किसके अंडर आता था, पोप या वहाँ के जो पादरी वर्ग था उसके अंतर्गत आता था। बस एकमात्र ऐसा क्या है राज परिवार था या एकमात्र ऐसा राजशाही वंश था जो इटली का था और इटली के एक हिस्से पर राज करता था, सवोय डेंसिटी जो थी वो क्या है इटली की, सवोय वंश जो था वही क्या है पिडमोंट सार्डेनिया पर राज क्या करती थी। यानी एकमात्र ऐसा राजवंश था जो इटली का होकर इटली के किसी क्षेत्र पर राज कर रहा था, बाकी इटली के ऊपर क्या है पूरी रूप से विदेशी शासन लगातार से चल रहा था। यानी अपने इटली के मानचित्र को देखते हैं तो ये हिस्सा और ये तो था पिडमोंट
और ये था सार्डिनिया। ये दो हिस्से जो थे वहाँ पर क्या है सवॉय वंश क्या है वो शासन किया करता था। इसके अलावा जो बीच का हिस्सा था ये वाला, वहाँ पर पोप का राज हुआ करता था, ठीक है। कहीं पर जो नेपल सिसली थी या लोम्बार्डी वेनेशिया मेडिना टस्कनी, यहाँ पर क्या है ऑस्ट्रिया का राज हुआ करता था, या फ्रांस का जो बर्बन डेंसिटी थी जहाँ नेपोलियन इसका शासक था या लुई सोलमा जिसका शासक था वो राज किया करता था। यानी एक तरह से कह सकते हैं ऑस्ट्रिया फ्रांस पोप, ये तीन आधिकारिक रूप से क्या है इटली के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या है शासन किया करते थे। अब इनको आइडिया कहाँ से आता है इटली के लोगों को कि भाई हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उससे पहले ये पहली प्रमुख बाधा है कि रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको कि पहली प्रमुख बाधा है कि लोम्बार्डी और वेनेशिया जिस पर किसका शासन था सीधा ऑस्ट्रिया का शासन था। मेडिना टस्कनी पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का शासन था क्योंकि वहाँ के राजकुमार उस पर शासन किया करते थे। रोम जो क्षेत्र था इटली का मध्य भाग का जो क्षेत्र था वहाँ पर किसका शासन था पादरी का शासन था। एक पिडमोंट सार्डिनिया था वहाँ पर इकलौती क्या है राजवंश ऐसा था जो इटली का था वो कौन सा था सवोए जो है वंश उसका शासन हुआ करता था। तो अभी देखते हैं अपने सेकंड जो बाधा थी वो क्या थी कि वियना कांग्रेस जब होती है 1815 के बाद नेपोलियन को मारने के बाद हराने के बाद तो वियना कांग्रेस में तय कर दिया गया था कि दोबारा से क्या है सामंत शाही व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था या कह सकते हैं कि जो राजशाही या राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो दोबारा से शासन शासित होने लगी थी। आइडिया किसका था मेटर्निक का था। मेटर्निक आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, मेटर्निक जो था वो ऑस्ट्रिया का क्या था विदेश मंत्री था। उसने क्या है वियना कांग्रेस के अंतर्गत यह है तय किया, वियना कांग्रेस जो वियना के अंदर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर यह तय किया गया कि दोबारा से सामंतशाही राज जागीरदारी या राजतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होगी इटली में पुनः लागू की जाएगी। जिसके कारण क्या है इटली को अलग अलग भागों में बांटा, जैसा कि मैंने बताया लोम्बार्डी वेनेशिया ऑस्ट्रिया के हो गए, मेडिना टस्कनी ऑस्ट्रिया के राजकुमारों के हो गए, रोम का जो क्षेत्र है वो पोप का हो गया, नेपल सिसिली वगैरह जो है वो बर्बन डेंसिटी के अंतर्गत आने लगे थे। तो अब क्या होने लगा था कि ये जो दोबारा से सामंतशाही जो थी जिसको नेपोलियन ने ख़त्म किया था वो दोबारा से क्या है हावी होने लगी थी वहाँ की जनता पर। दोबारा से क्या है वो अपना शासन खोना नहीं चाहते थे सामंत लोग जो थे, इसलिए वो क्या है एकीकरण या इटली को एक होना नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो बार बार क्या है उनको बांटने का प्रयास कर रहे थे, उनको दबाव डाल रहे थे। सेकंड जो तीसरे नंबर की बाधा आती है वो क्या है कि उन लोगों की रीति रिवाज या परंपराएं जो थी वो अलग अलग थी, परंपराएं जो थी वो अलग अलग थी। कहने का मतलब हो गया पहला अलग अलग शासन व्यवस्था या शासक, दूसरा सामंत शाही व्यवस्था का पुनः सामंत शाही व्यवस्था पुनः स्थापित होना, संस्कृतियों का मिलाव न होना, जो व्यापार था खुला व्यापार किया गया था इटली का उसको भी क्या है कम कर दिया गया था, यानी व्यापारिक बाधाएं बढ़ा दी गई थी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये तीन चार फैक्टर जो थे या तीन चार जो थी वो
प्रमुख रूप से बाधाएं थी, किसके सामने, यहाँ के जनता के सामने या यहाँ के लोगों के सामने थी जो इसको एक करना चाहते थे, इसको राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे इटली को। ये क्या है, बाधाएं आ गई हैं। नेक्स्ट अपना देखते हैं कि इसको इटली के एकीकरण को जोड़ने या इटली को जोड़ने के लिए जो सहायक तत्व थे वो कौन कौन से थे, और साथ ही साथ पढ़ते हैं कि इटली को एकीकरण करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। तो पहला जो सहायक तत्व है इटली के एकीकरण के लिए, सहायक तत्व, पहला सहायक तत्व है कार्बोनरी। कार्बोनरी, अब भाई कार्बोनरी क्या था? कार्बोनरी का अर्थ है कि जो कार्बोनरी एक प्रकार की क्या थी, संस्था थी जो क्या है, एक संघ चलाया करती थी, और यह संघ जो था वो गुप्त था ताकि इस पर क्या है, किसी प्रकार से जो सामंतशाही व्यवस्था है या जो राजशाही व्यवस्था है उसका प्रकोप ना पड़े। ये कार्बोनरी संघ शुरुआत में बनता है जो कोल का कार्य करते थे, कोयले का कार्य किया करते थे, उनका प्रभाव इसके ऊपर न पड़े। दूसरा, पहले तो क्या है, कोयला का के कार्य करने वाले, लेकिन बाद में क्या है, अन्य वर्ग के या सभी वर्गों के लोग जो हैं वो इससे शामिल होते रहे, जैसे कि व्यापारी थे या मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, या कुछ एक पादरी वर्ग के लोग जो थे वो इसके साथ क्या है, शामिल होने लगे थे। अब इसकी शुरुआत होती है 1810 के अंदर नेपल्स में, नेपल्स में इसकी 1810 के अंदर शुरुआत होती है। इसके दो उद्देश्य थे, दो प्रमुख उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य थे? इसका पहला प्रमुख उद्देश्य था कि यह इटली के अंदर विदेशियों को बाहर निकालना चाहते थे, इटली के अंदर रह रहे विदेशियों को बाहर निकालना, विदेशियों को बाहर निकालना, ये पहला उद्देश्य था इनका। दूसरा उद्देश्य था सभी के लिए विधि पूर्वक स्वतंत्रता, सभी को समान रूप से विधि पूर्वक स्वतंत्रता मिले, ये इनके दो प्रमुख उद्देश्य थे। लेकिन क्या है, वैधानिक स्वतंत्रता चाहते थे ये, विधिपूर्वक स्वतंत्रता सभी को मिले ऐसा चाहते थे, लेकिन समस्या आ जाती है कि जो लीडर था या कह सकते हो नेतृत्व के अभाव में, लीडरशिप के अभाव में यह क्या है, फेल हो जाते हैं, इनके जितने भी कार्य थे ये क्या है, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यह कार्बोनरी जो संस्था थी वो अपने जो उद्देश्य था या इनके जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो एक बार से रिपीट करता हूँ मैं, कार्बोनरी में ही पहला सहायक तत्व है, सबसे इम्पोर्टेंट है, शुरुआत इसी ने की थी, सबसे पहले कोयले के कार्य करने वाले या कोयले की खान वगैरह में कार्य करने वाले लोग इसकी शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे इनके साथ क्या है, लोग जुड़ जाते हैं और क्या करते हैं, इनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिसके का अंतर्गत व्यापारी थे, मध्यम वर्ग के लोग थे या पादरी वर्ग के लोग थे जो क्या है, इसके अंतर्गत जुड़ते रहे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, 1810 में नेपल्स में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है, इसको शुरू किया जाता है 1810 में। उद्देश्य जो थे वो मुख्य रूप से दो थे, इटली के अंदर विदेशियों को बाहर निकालना, यानी इटली के अंदर रह रहे विदेशियों को बाहर निकालना, विधि पूर्वक स्वतंत्रता जो समान रूप से सभी को मिले इसका कार्य करना, नेतृत्व के अभाव के कारण क्या है वो क्या कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं या बंद करना पड़ता है, जिसके कारण यह ज़्यादा से नहीं चल पाती है। लेकिन दूसरा सहायक तत्व आता है यंग इटली, इसकी शुरुआत होती है 1831 में, मेजिनी इसकी शुरुआत करता है, 1831 के अंदर, और यह क्या है, पूर्ण रूप से क्या कर देती है,
यंग इटली जो संस्था थी वो कार्बोनरी को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, उसका स्थान ले लेती है पूर्ण रूप से। ये क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है कार्बोनरी को, यानी कार्बोनरी संस्था को क्या कर देती है, पूर्ण रूप से रिप्लेस कर देती है। और दूसरा इसका फायदा ये था कि इसका जो नेतृत्व था वो सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व था, क्योंकि मेजिनी वह व्यक्ति है एक प्रकार से जिसको देवदूत माना जाता था इटली के एकीकरण के लिए, और इटली के लोग जो है वो इसके कार्यों के कारण इसको ऐसा मानते थे कि यह क्या है, एक प्रकार से देवदूत है जो इटली का उद्धार करने के लिए धरती पर आया है, इस प्रकार की मान्यता थी मेजिनी के लिए। इसके लिए इसके कारण क्या है, इसके नेतृत्व के कारण यंग इटली जो क्या है संस्था थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। मेजिनी जो था उसने क्या है इस प्रकार के बहुत से कार्य किए जिसके कारण ये जो यंग इटली संस्था है वो राष्ट्रवाद, देशभक्ति और एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या है अधिक से अधिक लोगों को क्या कर सके, प्रोत्साहित कर सके, इस प्रकार के कार्य मेजिनी ने किए। मेजिनी का एक भाषण का वाक्यांश है कि अगर किसी भी देश का उद्धार करना है या उसको आगे बढ़ाना है, उसको क्या है दुनिया से अलग करके सबसे उच्चतम देश बनाना है, तो उसकी बागडोर जो है वो यंग लोगों यानी जवान लोगों के, युवा लोगों के हाथों में दे दी जाए। यानी वो क्या चाहते थे कि नेतृत्व किसके हाथों में होना चाहिए, राष्ट्र के युवा वर्ग के हाथों में होना चाहिए। ये मेजिनी का क्या है कथन था, मेजिनी ऐसा चाहते थे। मेजिनी हालांकि एक प्रकार के अग्रणी नेतृत्व वाले नहीं थे, यानी उनका नेतृत्व इटली के एकीकरण में काउंट केवर के मुकाबले नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वो एक प्रकार के कवि, दार्शनिक और देशभक्त थे, राष्ट्रवादी थे, विचारक थे, बहुत अच्छे क्या थे, विचारक थे, दार्शनिक या विचारक कह सकते हैं। और इसके साथ साथ ही उनको क्या है यहाँ की क्रांति का क्या कहा जाता है, अगर दूत कहा जाता है, यानी क्रांति की जो शुरुआत है वो किसने कर दी है, मेजिनी ने कर दी है। राष्ट्रवाद के पिता कौन है इटली में, नेपोलियन है, और क्रांति के अग्रदूत कौन है, मेजिनी है। एक मैंने बाधाएं पढ़ाते समय एक चीज़ नहीं बताई कि जो वैचारिक परिवर्तन था या वैचारिक विरोधाभास था, एक पॉइंट रह गया था, वैचारिक विरोधाभास, उसके अंतर्गत ऐसा है कि मेजिनी और गैरिबाल्डी जो थे वो चाहते थे कि गणराज्य के रूप में एकीकरण हो। मेजिनी और गैरिबाल्डी जो थे वो चाहते थे कि गणराज्य के रूप में क्या हो, एकीकरण हो, जबकि जियोबार्टी जो थे वो ऐसा चाहते थे कि इटली के वो क्षेत्र जो किसके अधिकृत आते हैं, पोप के अधिकृत में आते हैं, उनको एक संघ के रूप में एकत्रित किया जाए। ये चाहते थे मेजिनी और गैरिबाल्डी चाहते थे कि पूरा इटली जो है वो एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो, लेकिन जियोवर्टी जो थे वो चाहते थे कि इटली पोप के जो अधिकृत क्षेत्र है उसका क्या बनाया जाए, एक संघ बनाया जाए। तो वैचारिक विरोधाभास ये भी क्या है एक प्रकार की क्या है बाधा थी इटली के एकीकरण में, लेकिन बाद में जब काउंट केवर की एंट्री होती है तो काउंट केवर इस प्रकार की सारी बाधाओं को दूर कर देता है। वो कहता है कि ये तो बहुत है छोटी बातें हैं, मैं एक करके रहूँगा इटली को, क्योंकि काउंट केवर नेक्स्ट जो सहायक तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है इटली के एकीकरण में, वो अपना काउंट केवर ही है, जिसके बारे में भी पढ़ते हैं। आपकी बुक में उसका नाम दिया गया है काउंट केमिलो डी काबूर, ठीक है। इस काबूर को बुक के अकॉर्डिंग नहीं, मैं मेरे अकॉर्डिंग बोलता हूँ भी केवर, ठीक है। तो आप समझ जाना कि काउंट केवर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ।
काउंट केवर क्या है, जिस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में बिस्मारक जिस प्रकार से महत्वपूर्ण अपना भाग अदा करता है, अपना रोल अदा करता है, उसी तरह से इटली के एकीकरण के लिए काउंट कैमिलियो डी कावूर क्या है, अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज जो है, काउंट केवर का जन्म क्या है 1810 के अंतर्गत होता है। 1847 में क्या है, ये वित्त मंत्री और साथ ही साथ उद्योग मंत्री बनते हैं। कहाँ के, ये पिडमोंट सार्डेनिया के वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री बनते हैं सार्डेनिया। उससे पहले क्या है, ये इंजीनियरिंग करते हैं, इंग्लैंड का दौरा करते हैं, और उस भ्रमण के दौरान वहाँ की संसद जो प्रणाली थी वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और वो चाहते थे कि वैसी की वैसी संसद प्रणाली कहाँ हो, इटली के अंदर हो। इसलिए वो इटली का पूरे रूप से क्या है, एकीकरण करना चाहते थे, यूनिफिकेशन करना चाहते थे, जिसका फ़ायदा उनको मिलता है 1852 के बाद, जब 1852 में उनको क्या बना दिया जाता है, पिडमोंट सार्डेनिया का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जिस प्रकार से बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया था, उसी प्रकार से क्या है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है इटली का, किसको, काउंट केवर को 1852 में। और विक्टर एमैनुअल जो वहाँ के राजा थे, विक्टर एमैनुअल, वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और वो भी चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, जिसके लिए क्या है, यहाँ की जो सारी परिस्थितियाँ हैं उनको काउंट केवर अपने तरीके से हल करता है, और क्या करता है, इटली का एकीकरण करता है। तो जिसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इटली का एकीकरण किन किन चरणों में किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।